तो आप अपने डेस्कटॉप या मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम ओपन कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे सर्च करना NCERT.NIC.IN। जब आप इसको सर्च करोगे तो ये इस तरीके का एक स्क्रीन खुलेगी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये पब्लिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको PDF 1 to 12th क्लास का ये नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना। फिर उसके बाद यहाँ से क्लास सिलेक्ट करना, जैसे मैं 11th क्लास सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, संस्कृत, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मैं बायो सिलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ से बुक का टाइटल, अगर आप हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो जीव विज्ञान, उर्दू में, और फिर इंग्लिश के अंदर बायोलॉजी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आएगा। ये चैप्टर वाइज भी आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो कंप्लीट डाउनलोड करना चाहो तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला चैप्टर खोलता हूँ, और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से ये NCERT का डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ से आप सिंपली सेव कर दो, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम NCERT एग्जाम्पलर डाउनलोड करना चाहते हो तो वही पब्लिकेशन के ऊपर आना, और यहाँ पे देखना एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से क्लास वाइज आ जाएगा, 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक। जैसे क्लास 11 को ही देखता हूँ मैं, इसमें भी ये मैथ के एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, ये फिजिक्स, और ये बायो, बायो के अंदर भी अगर मैं पहला चैप्टर खोल के देखूँ तो कुछ इस तरह से खुल कर आएगा, ये सारी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ से भी इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो।